हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड देन वी विल डिस्कस हियर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, हमने थ्योरी में बीबीटी में क्या नाम इसमें एमओटी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने मेन पॉइंट्स में डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप्स होती हैं दे डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ और टाइप ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तो शेप एक जैसी थी, चाहे किसी भी टाइप के कितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाए, है ना। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन कर रहे हैं वो किस टाइप के हैं, जिनमें ओवरलैपिंग हो रही है वो किस टाइप के हैं, कौन से ऑर्बिटल्स हैं, उस पर बेस होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप बनेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप डिपेंड करती है टाइप ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनके ऊपर डिपेंड करती है। बट इनके लिए कंडीशंस क्या है, पहले भी थोड़ा मेन पॉइंट्स में डिस्कस की गई थी, एक बार फिर से। तो कंडीशंस कर रहे बेटा, पहले कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है बेटा, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे दे शुड हैव कंपेरेबल एनर्जीज। ठीक है, एनर्जी वैल्यू क्या होनी चाहिए उनकी, कंपेरेबल। कंपेरेबल का मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है उनके अंदर, सिंपल। ओके, फर्स्ट बेटा द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव कंपेरेबल एनर्जीज। बेटा उनकी एनर्जी वैल्यूज कंपेरेबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी जाकर वो ओवरलैप करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जांपल, मैं इसका एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पर 1s ऑर्बिटल है, कैन ओवरलैप, 1s कैन ओवरलैप विद 1s, नॉट विद 2s। 2s के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, क्योंकि 1s और 2s के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, 1s एक एटम का आया, 1s दूसरे एटम का आया, उनकी ओवरलैपिंग हो सकती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन सकते हैं। बट आप कहो कि 1s 2s के साथ ओवरलैपिंग करे, कंबाइन करे इसके साथ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी इनकी, तो इसलिए एनर्जी वैल्यूज कंपेरेबल होनी बहुत जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको इसको, फर्स्ट पॉइंट था यहाँ पर ये। नाउ सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड कंडीशन, जो बेटा जरूरी नहीं है कि एनर्जी कंपेरेबल हो और फिर भी ओवरलैपिंग हो जाए, नो। एक और फैक्टर होता है, दैट इज ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपरली ओरिएंटेड होने चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तभी जाकर प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी उनके बीच में, एंड बॉन्ड विल फॉर्म, और यू कैन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल फॉर्म। ठीक है ना, देखिए बेटा, तो सेकंड हम कंडीशन यहाँ पर बना रहे हैं, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, बहुत जरूरी है ये, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपरली ओरिएंटेड होने चाहिए बेटा, तभी जाकर ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तभी जाकर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए बेटा। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है, कि 2pz है, 2pz के साथ कंबाइन कर सकता है, 2pz एक का, 2pz दूसरे का। ठीक है ना, बट हम कहेंगे 2pz है, 2px है, 2py के साथ ओवरलैपिंग कर जाए, नो, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, बिकॉज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। ये जेड आ गया, ये एक्स आ गया ऐसे, तो यहाँ तो बेटा नोडल प्लेन के थ्रू ही क्रॉस करेंगे एक दूसरे को यहाँ पर, अदरवाइज तो कुछ है ही नहीं, है ना। सेंट्रल पॉइंट से क्रॉस करते हुए जाएंगे दूसरे को, ओवरलैपिंग तो होगी ही नहीं यहाँ पर। ओके, सो पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझ देता हूँ बेटा आपको, एग्जाम्पल प्रॉपरली ओरिएंटेड होने चाहिए बेटा। मेन एक तो 2s सपोज, 2s कैन ओवरलैप विद 2pz के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है, कब, इफ जेड इज इंटर न्यूक्लियर
एक्सिस इफ जेड इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जेड को अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना गया है देन बेटा 2s कैन ओवरलैप विद 2pz, ठीक है, बट नॉट विद 2px और 2py, 2px और 2py के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है ना। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में बताया था आप लोगों को पॉइंट की ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए बेटा, ठीक है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव में बेटा अपोजिट साइन में जा रहे थे, है ना, अपोजिट साइन में जाएंगे अगर लोब्स हैं, अपोजिट साइन के आएंगे, मीन इलेक्ट्रॉन वेव के टर्म में अगर हम कंसिडर करते हैं बेटा एटोमिक ऑर्बिटल्स को, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं इफ दीज इलेक्ट्रॉन वेव्स आर आउट ऑफ फेज तो हम मानेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग थी वहाँ पर। सिमिलरली है ना, अगर सेम फेज में तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है बेटा। तो वही पॉइंट्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। फिर हमने जीरो ओवरलैपिंग बताई थी एस और पी एक्स और पी वाई के साथ, तो जीरो ओवरलैपिंग थी, ओवरलैपिंग होगी नहीं, इसलिए हमने कहा कि नॉट विद 2px और 2py। सिमिलरली बेटा, सिमिलरली वी कैन से बेटा 2pz है जो, 2pz कैन ओवरलैप विद 2pz, नॉट विद 2px और 2py, ये भी 2px और 2py के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, अगेन बेटा ड्यू टू अगेन ओरिएंटेशन की वजह से, कि प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट बेटा यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन रहेगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए, टू फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बेटा, कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है इट शुड वेरी लार्ज, ज्यादा होनी चाहिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओके। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग should be large, should be large, the extent of overlapping should be large, ठीक है ना। मीन जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, greater the overlapping, greater is the electron density between the nuclei, जो two atomic orbitals combine कर रहे हैं उनके nuclei के बीच में उतनी ज्यादा electron density होगी बेटा, okay, means greater the ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बेटा, ग्रेटर इज द, उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के बीच में उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेटा जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। इसका मीनिंग कि ओवरलैपिंग पोर्शन, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, इट शुड वेरी हाई, लार्ज होनी चाहिए। और एक और पॉइंट, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर उनके बीच में, तो बेटा बॉन्ड जो बनेगा उनके बीच में वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। सिंपल सा पॉइंट है, ओके। नाउ तो ये कंडीशंस थी, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब हम फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे और कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो यही यूजफुल होगा, इसी पर बेस होकर फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, इन्हीं पर बेस होकर। इसलिए समझ में आना बहुत जरूरी है आप लोगों को कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। दिस टॉपिक नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा हम ले रहे हैं पहले भाई, अगर 1s की ओवरलैपिंग होती है विद 1s, 1s की ओवरलैपिंग 1s के साथ होती है तो क्या होगा बेटा, देखिए फर्स्ट हम ले लें 1s विद 1s,
अगर 1s की 1s के साथ ओवरलैपिंग होते हैं, एक एटम का 1s आ गया, दूसरे एटम का भी 1s ऑर्बिटल आ गया और उनकी हम ओवरलैपिंग करवाते हैं तो क्या बनेगा, देखिए किस टाइप से होगा। फिर वही टू केसेस आप देख, हर एक केस में टू केसेस होंगे कि जो बेटा स्पिन्स हैं और वी कैन से हम जो इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं, इलेक्ट्रॉन वेव्स में भी इन फेज और आउट ऑफ फेज टू केसेस होंगे, टू केसेस आर पॉसिबल। हमने LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में किया था बेटा कि दो केसेस पॉसिबल होते हैं बेटा यहां पर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वेव्स आर इन फेज और सेकंड इलेक्ट्रॉन वेव्स आर आउट ऑफ फेज, ठीक है, आउट ऑफ फेज। अगर इन फेज में होंगे तो बेटा यहां पर जो ऑर्बिटल्स बनेंगे दीज आर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, और जो आउट ऑफ फेज होंगे तो इनको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो दो पॉइंट मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं यहां पर, तो दोनों पॉइंट अप्लाई होते जाएंगे यहां पर। सेम फेज में मतलब सेम साइन लेंगे हम, अपोजिट फेज में मतलब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का अपोजिट साइन होगा, ठीक है ना। ये चार्जेस नहीं होंगे इनमें, ये सिर्फ साइन होंगे, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन वेव की फेज का फेज बताएंगे, ठीक है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अगर इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में कंसीडर किया गया है, ठीक है। नाउ अब हम ले रहे हैं बेटा कि 1s विद 1s, ये देखिए s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, ठीक है, s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप बेटा। दिस पॉजिटिव साइन लगाने का मीनिंग क्या है बेटा, फेज बताया मैंने कि इसके इलेक्ट्रॉन वेव पॉजिटिव फेज ले लिया मैंने, दूसरा जो एक और 1s लिया हमने, सपोज दिस दिस इज आल्सो 1s ऑफ सेकंड, इसकी इलेक्ट्रॉन वेव भी सेम फेज में, इसके उधर से टू वेव्स इलेक्ट्रॉन वेव्स आर इन सेम फेज, कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो व्हाट हैपेंस बेटा, न्यू ऑर्बिटल इज फॉर्मड एंड दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे ये कंबाइन कर जाएंगे, ओवरलैपिंग हो गई, ये ओवरलैपिंग हो गई जैसे इन दिस वे, ठीक है ना। दिस दिस ये इसका पॉजिटिव, आई मीन ये फेजेस दिखा रहे हैं सेम फेज, ठीक है। व्हाट हैपेंस बेटा, ओवरलैपिंग के बाद जो ऑर्बिटल बनेगा यहाँ पर, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस बेटा, हम इसको सिंगल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं इस टाइप का, एक सिंगल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस टाइप का बन जाएगा यहाँ पर, देखें दिस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वी गेट ए सिंगल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इनके न्यूक्लियाई हो गए एंड दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन है ये, कभी सोचो कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये दिस इज नॉट एनी चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव साइन है बेटा ये यहाँ पर। ये दोनों के सेंटर थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, इसका और ये इसका हो गया बेटा, इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। अगर सेम फेज में हम इनको कंबाइन करवाएंगे तो दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, देखिए बेटा फिर अगेन आई वांट टू टेल यू बेटा, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और साइडवेज ओवरलैपिंग हो तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। वही पॉइंट हमें अप्लाई करने, बिल्कुल इजी, हेड टू हेड एस की एस के साथ ओवरलैपिंग कौन सी ओवरलैपिंग बन जाती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ओके, एस की पीजेड के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग, पीजेड की पीजेड के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेंगे सारे, मीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, मीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ओके, मीन सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर इनके साथ और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है ना, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे इनको। इसी तरह बेटा पी एक्स का पी एस के साथ ओवरलैपिंग होते, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि जेड एक्सिस को हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना बेटा यहाँ पर पूरी केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी दैट इज बेटा साइडवेज ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग, वहाँ से पाई बॉन्ड बनता है, तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा यहाँ पर, ओके। अगर ये सेम फेज में आएंगे तो बॉन्डिंग, और अगर आउट ऑफ फेज में जाएंगे तो एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एस टी एस के साथ सिग्मा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना गया इसको, तो इट बिकम्स बेटा सिग्मा 1s है, तो सिग्मा 1s बन गया दिस। इसी तरह अगर हम सेकंड केस लेते हैं बेटा कि 1s है जो दिस 1s एक का, ये 1s आ गया बेटा सेकंड एटम का, बट फेजेस आर डिफरेंट, आउट ऑफ फेज है, देन व्हाट हैपेंस बेटा, ये हम ओवरलैपिंग करवाने की कोशिश करेंगे इनकी, दिस ये ओवरलैपिंग कर गई, बट व्हाट हैपेंस अगर आउट ऑफ फेज होते हैं तो रिपल्शन आर देयर, इन दैट केस बेटा रिपल्शन आर देयर, और रिपल्शन होंगे तो व्हाट हैपन, ये रिपेल करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को, कैंसिल करेंगे,
ठीक है ना। एंड व्हाट हैपेंस बेटा, देखिए एक नोडल प्लेन बन जाएगा यहाँ पर, नोडल प्लेन बन जाएगा यस। दिस नोडल प्लेन बन गया बेटा यहाँ पर ये, ठीक है, ये रिपेल कर गए एक दूसरे को, एक टाइप से ये समझो आप एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दिस ये इसका सेंटर था, ऐसे रिपेल कर दिया इसने एक दूसरे को, ये पॉजिटिव साइन था इसका, दिस इज नोडल प्लेन आ गया यहाँ पर, और इसी तरह फिर ये दिस वन, ओके दिस वन, ये इसका सेंटर आ गया और ये इसका फेस था, ठीक है बेटा। एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इस टाइप का जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा यहाँ पर 1s 1s की ओवरलैपिंग से बना है, बट ये दोनों के फेजेस डिफरेंट है, आउट ऑफ फेज हैं, तो एंटीबॉडी बनेगा आउट ऑफ फेज से, ठीक है ना। तो दिस मीन दैट दिस इज सिग्मा स्टार, एंटीबॉडी को किस रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है ना, सिग्मा स्टार 1s, दिस इज द एंटीबॉडी मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्स, ठीक है। इसलिए बता रहे थे कि शेप डिफरेंट आ रही है हर एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल की। इसी तरह अगर सिमिलरली क्या होगा बेटा, सिमिलरली 2s विथ 2s, 2s विथ 2s करेंगे तो बेटा अगेन टू पॉसिबिलिटीज आ गया, कौन कौन से मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, सिग्मा 2s बन जाएगा और एक सिग्मा स्टार 2s बनेगा, इसी टाइप से बिल्कुल सेम शेप होंगे इसी टाइप से, ठीक है। तो 2s विथ 2s भी सिमिलर पैटर्न पर ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, वन इज बॉन्डिंग, अनदर इज एंटीबॉन्डिंग, ए सिग्मा 2s एक सिग्मा स्टार 2s। अब मैं ले रहा हूँ बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल पीजेड का, पीजेड के साथ, ठीक है, और टू पीजेड ले लेते हैं चाहे हम, ठीक है ना, टू पीजेड विद टू पीजेड। देखिए ये सेकंड था, ये सेकंड हो गया, अब मैं थर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, थर्ड टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बता रहा हूँ आपको कैसे बनेगा, टू पीजेड की टू पीजेड के साथ ओवरलैपिंग करवा रहा हूँ बेटा मैं, टू पीजेड विद टू पीजेड, देखिए सेम फेज एंड आउट ऑफ फेज, अगेन टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, सेम फेज एंड आउट ऑफ फेज, थर्ड केस टू पीजेड विद टू पीजेड। देखिए पीजेड इज डंबल इन शेप, पी ऑर्बिटल्स आर डंबल इन शेप बेटा, यू नो वेरी वेल, पी ऑर्बिटल्स आर डंबल इन शेप, ये डंबल शेप है, दिस वन, दूसरे का लिया हमने इसी तरह, दूसरे एटम का पीजेड ऑर्बिटल आ गया, टू पीजेड आ गया, दिस शेप क्या होगी, डंबल शेप होगी, दिस इज टू पीजेड, ये भी टू पीजेड है, कंडीशन ले लेते हैं कि सेम फेज में है, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, डंबल शेप, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आ गया, ठीक है, दिस वन पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए सेम फेज में पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ आ रहा है तो कौन सा बनेगा, बाई एडिशन हो गया यहाँ पर, ये बाई एडिशन हो गया, मेन बाई एडिशन होगा, एडिटिव इंटरफेरेंस होगा इनका, सेम फेज में होते हैं तो मैंने बताया था आप लोगों को। एंड देन व्हाट हैपेंस बेटा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जो बनेंगे यहाँ पर क्या होगा, देखिए दिस वन ये ओवरलैपिंग कर जाएंगे, ये टू पी जेड आ गया, इसी तरह इसका दूसरा, ये दूसरा टू पीजेड आ गया, सेकंड वाला सेम फेज में थे, सेम फेज में थे तो बेटा एडिटिव इंटरफेरेंस होगा यहाँ पर, एडिटिव इंटरफेरेंस होगा बेटा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये चले गए यहाँ पर साइन, ठीक है ना, इनके साइन चले गए यहाँ पर, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दिस वन ये दिखा देता हूँ रेड से, नेगेटिव नेगेटिव। अब बेटा एडिटिव इंटरफेरेंस हुआ है तो व्हाट हैपेंस, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस, ये वाला लोब एक बड़ा होगा, ये छोटे हो जाएंगे, ये बिगर लोब बन जाएगा ऐसे, इन दिस वे एक बिगर लोब बन गया, और जो लोब ओवरलैप में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वो स्मॉलर लोब हो जाएंगे बेटा, दीज आर द स्मॉलर लोब्स, ये स्मॉलर लोब, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर बन जाएगा ये, ओके, ये नेगेटिव और ये क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव साइन आ गया यहाँ पर, मीन सेम फेज वाला आ गया यहाँ पर ये, सो ये जो ऑर्बिटल बना एडिशन से बना है बेटा, और एडिशन से जो ऑर्बिटल बनता है बाय एडिटिव इंटरफेरेंस से बनेगा, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
और टू पीजेड है, ठीक है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है पीजेड पीजेड की, ये भी आपको पता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा टू पी जेड, ठीक है। दिस इज द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड हेयर सिग्मा टू पी जेड। सिमिलरली इसी पैटर्न पर बेस होकर हम सेकेंड टाइप ले सकते हैं कि अगर ये आउट ऑफ फेज में है तो बेटा इफ दीज आर आउट ऑफ फेज, देखिए टू पी जेड प्लस ये दूसरे का टू पी जेड ले लिया हमने, टू पी जेड ऑफ अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल, ये अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया टू पी जेड, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव आउट ऑफ फेज आ गया बेटा, तो क्या होगा बाय सब्ट्रैक्शन, एडिशन नहीं बाय सब्ट्रैक्शन होगा आपकी बाकी, बाय सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन होगी यहाँ पर, सब्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस होगा इनके बीच में, एंड व्हाट हैपेंस बेटा अगर सब्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो व्हाट हैपेंस, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस बेटा बाय सब्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस, बाय सब्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस ये होगा बेटा दिस वन, ये सब्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, दिस इज सब्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस बेटा, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सब्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस होगा, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, इसका मीनिंग सब्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस होने का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को यहाँ पर, और रिपेल करेंगे तो नोडल प्लेन आ जाएगा इनके बीच में यहाँ पर बेटा, देखिए किस टाइप से होगा, ये रिपेल करेंगे दूसरे को, दिस इज द नोडल प्लेन आ जाएगा यहाँ पर, ये नोडल प्लेन आ गया, ओके दिस एक बड़ा लॉब दूसरा छोटा लॉब हो जाएगा, रिपेल करने का मीनिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफर है यहाँ पर, दिस ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मीन बॉन्डिंग नहीं हो रही यहाँ पर प्रॉपरली, वो प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही यहाँ पर बेटा इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस जो बनता है यहाँ पर, ओके और बट पीजेड की पीजेड के साथ जो ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड बनता है वहां पर, सिग्मा तो बना यहाँ पर ये सिग्मा, बट एंटी बॉन्डिंग बना है सिग्मा स्टार टू पी जेड, दिस इज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हियर, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है बेटा दिस इज नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन आ जाता है इनके बीच में, दिस इज नोडल प्लेन बेटा, इन बिटवीन दिस टू नोडल प्लेन, नोडल प्लेन क्या होता है और नोड क्या होता है, नोडल प्लेन बोले या फिर नोड बोल दें हम, द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, दैट प्लेन इज कॉल्ड नोडल प्लेन, तो एक नोडल प्लेन इनके बीच में से पास हो गया यहाँ पर, ओके सिग्मा स्टार टू पी जेड बन गया। इसी तरह PX PX के साथ, 2PX 2PX के साथ और 2PY 2PY के साथ जा सकता बेटा, ओवरलैपिंग हो सकती है, फोर्थ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, फोर्थ एग्जाम्पल बेटा आई एम गोइंग टू टेक हेयर, फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल में क्या बेटा 2PX विद 2PX और 2PY विद 2PY, X की X के साथ Y की Y के साथ जाता है बेटा, अगर हम Z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माने हुए हैं, इसका मीनिंग क्या बेटा यहाँ पर कि X और X की X के साथ Y की Y के साथ बेटा साइडवेज ओवरलैपिंग होती है ये मीन, और उससे कौन सा बॉन्ड बनता है, यू नो वेरी वेल पाई बॉन्ड, मीन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे यहाँ पर, ओके सिग्मा नहीं अब की बार पाई बनेंगे, वही पॉइंट माइंड में रखना आपको, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड इन दिस वे, देखिए सपोज दिस इज वन ऑर्बिटल आई एम गोइंग टू टेक 2px और 2py कोई भी कंसीडर कर लेना इसको आप, प्लस सेकंड, सेकंड वाला मैं अज्यूम करता हूँ ये फर्स्ट एटम का आ गया, ये सेकंड एटम का आ जाएगा बेटा दिस, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, वी कैन कंसीडर दिस 2px तो ये भी 2px होगा, और अगर इसको हमने 2py अज्यूम कर लिया तो बेटा ये भी 2py होगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप लोगों को पॉइंट, x x के साथ जाएगा और बेटा y y के साथ जाएगा, व्हाट हैपेंस क्या होगा बेटा, इनके ओवरलैपिंग करवा दी, ये लो जी ओवरलैपिंग करवा दो इनकी, ठीक है, दिस साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी,
साइडवेज ओवरलैपिंग से जो बोन बनता है, पाई बोन बनता है, इसका मतलब यहाँ पर बेटा जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा दैट इज पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा बेटा, यहाँ पर पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। इनके हम साइन दिखा देते हैं, यहाँ पर दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मीन वी कैन हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस टू पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये नोडल प्लेन हो गया, यहाँ पर सेंटर से क्या पास हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये दिस इज द नोडल प्लेन, वी कैन पास दिस नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन आ गया यहाँ पर, दिस इज द नोडल प्लेन बेटा, ठीक है। तो टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाते हैं, वन इज अबव दिस अनदर इज बिलो दिस, ठीक है। बनाना शेप में पहले बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। दीज आर द टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पॉसिबल है यार, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएंगे बेटा यहाँ पर, देखिए दिस वन टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर पॉसिबल है यार, दिस ये दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएंगे यहाँ पर बेटा। इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में सेंटर में से यहाँ से क्या बेटा नोडल प्लेन पास हो रहा है, दिस इज द नोडल प्लेन, ठीक है। ये नोडल प्लेन पास हो गया बेटा, ये पॉइंट था एक और एक ये पॉइंट था, दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गए, एक में पॉजिटिव साइन है दूसरे में नेगेटिव, मीन दिस दिस, ठीक है ना। ये सेम फेजेस से पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ जाएगा और बेटा ओवरलैपिंग होगी। ये जो नया जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है साइडवेज ओवरलैपिंग से, तो पाई बना बेटा पाई टू पी एक्स, पाई 2px और वी कैन से बेटा दिस इज पाई 2py, ये बनेगा, वी कैन रिप्रेजेंट दिस पाई 2px और पाई 2py। वन नोडल प्लेन इज पास थ्रू दिस, यहां से नोडल प्लेन पास हो गया बेटा यहां पर, दिस इज नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन पास हो गया बेटा यहां से, दिस इज द नोडल प्लेन, ओके। सिमिलरली अगर ये आउट ऑफ फेज चले जाए, ये तो सेम फेज है मैंने बता दिया आप लोगों को, If these are out of phase, और अगर ये out of phase चले जाएंगे then what happens? In that case what happens? If these are out of phase, मैं इसे बनाता हूँ बेटा, out of phase होंगे तो अब देखिए इसको, this is sign negative कर देते हैं, इसको positive कर देते हैं, अब के बाद out of phase, this is negative, this is positive sign हो गए। Now this time what happens? Different orbital बनेगा यहाँ पर, molecular orbital, और वो antibonding होगा अगर out of phase है तो बेटा, एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, देखिए कैसे बनेगा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये रिपेल करेंगे है ना एक दूसरे को, ये समझो आप रिपेल करेंगे, इन दैट केस रिपल्शन टेक प्लेस बेटा, यही तो होते हैं, पहले बताया मैंने आप लोगों को कि इन केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन देम एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, बट जो एंटीबॉन्डिंग में होता बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन देम, तो रिपेल करते हैं टाइप से ये बेटा, और रिपेल करेंगे तो व्हाट हैपेंस देखिए, दिस इज वन दिस इज अनदर, ये ऐसे बेंड हो गया रिपेल करने, इसी तरह ये वाला सेकंड वाला जो दिस इज वन एंड बेटा दिस इज सेकंड वन फॉर दिस, ये इसके लिए आ गया बेटा दिस, ये रिपेल कर दे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉइंट आस हो गया। एक पॉइंट और चेक करना आपको, यहाँ पर देर आर टू नोडल प्लेन्स, एक तो ये नोडल प्लेन हो गया, एक ये नोडल प्लेन हो गया, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना बेटा यहाँ पर एंटीबॉन्डिंग बनाइए पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई, ये बनेगा, ये टू नोडल प्लेन्स है यहाँ पर बेटा, ये भी नोडल प्लेन है, दिस इज नोडल प्लेन। तो एक पॉइंट एक बात ध्यान रखने की यहाँ पर क्या है कि बेटा जो px px के साथ या py py के साथ जब ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर बेटा, कंबाइन कर रहे हैं मोलिकुलर ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, तो एंटीबॉन्डिंग जो बनाएंगे बॉन्डिंग में तो एक नोडल प्लेन था पाई टू px पाई टू पाई, बॉन्डिंग में एक नोडल प्लेन बनाना शेप में मैंने बताया था, बनाना शेप में एटॉम क्लाउड बन गया था वो, बट यहाँ पर टू नोडल प्लेन आते हैं पाई स्टार में, ध्यान रखना पाई स्टार में टू नोडल प्लेन हैं और पाई में क्या होता है बेटा सिर्फ एक ही नोडल प्लेन है, तो ये पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने का है, याद रखना है, पूछ लिया जाए तो आपसे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा, इसको अच्छी तरह करना, ठीक है, थैंक्स अ लॉट।